चाय पी के निकलते हैं अब यहाँ से। दिख रहा है जो वाइट ड्रेस में है तो अच्छी दिखा रहे वो गाड़ी की हालत, अभी चला ही नहीं ना कितने से। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे क्या है आप, तो बड़ों को राम राम, तो छोटों को नमस्कार। सुबह सुबह चढ़ रहे हो ऊपर, टंकी देखने आ रहे हैं आज तो तीसरे फ्लोर पे। हमारी भाई टंकी भर गई, कितनी बची है, हैं भरा रही है। यह सूरज, यह सनराइज, रद्दू चाय पी रहे पानी। चलो नहा के सीधे चलते हैं। और देखो एक दो मिनट हमारे अभी जामुन लग तो गई है पकना और बाकी है, इस बार लेट आई, नहीं तो हर बार आ जाती इतने टाइम, और इसमें छोटे छोटे जाम भी आने लगते हैं। चलो तो क्या बस जूते पहन के रेडियो पर निकल रहा सुबह से वापिस, मैं रोज आप दिखाना तो पड़ेगा ना रेडियो ने, क्योंकि टाइम मिलता नहीं इतना, सोचा तो जूते पहन रहे तो बात कर। और बताओ बाकी सब कैसे क्या चल रहा है। अभी अपन चल रहे रोकी भाई के पास सीधे, सलाम रोकी भाई, तो उसका जाएंगे सेट ऑफ सेट मम्मी का वीडियो देख रहे। कितना अच्छी लग रही है, ढंग से काम करो तनख्वाह नहीं मिलेगी जल्दी ढंग से। अब दादाजी हमारे काफ़ी ठीक हो गए, अब तो चलने लग गए, घूमने लग गए। तो अभी अपन क्या रोकी भाई के पास से होके आ गए, यहाँ से चलेंगे बोले घर पे चाय आए पी के मस्त। तू बिलाओ चलने मेजिक वाले की मेरी बुलेट से दे जाओ जाए वाले, अभी तो इतने आराम से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बंदा ड्राइव करते आ रहे हैं। गाड़ी की आवाज़ तो मतलब कि ट्रैफिक की बहुत तेज आवाज़ है, फिर होंडा की इलेक्ट्रिक टम टम वाले, देखो ना इंडिकेटर देंगे ना कुछ उड़ जाएंगे, इनका तो भरोसा ही नहीं। तो यार आना सवेरे तो इंजॉय है भाई, सवेरे का ना यही अलग है। और इधर पता है एक चाय वाला, कालू चाय वाला, और अब नहीं पीता मैं, पहले बहुत पीता था, अब तो सीधे घर की पीते ना। और तो क्या है कि अभी थोड़ा सा है ना पैसा ख़त्म हो गया, 5-10 रुपये भी नहीं है, फिर अपन चाय पी नहीं सकते ना, तो क्या चाय कालू चाय वाले क्या चाय पियेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ के सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि अपन तो रुक जाते भाया, चलो बोल रही है सब प्रकार के पायलट निकलते जा रहे हैं। बट अगर घर पर आ गया ना 500-500 का, फिर अगले बार ये रुकेंगे। चिपटाल अंकल तो समझदार बने, चलो 18 सेकेंड अपन भी चालू कर लो गाड़ी। इसने सबको परेशान कर रहे हैं, और इधर हमारे यहाँ बन रही चूल्हे पे सब्जी आज, इसको देखो चल इसकी बग्गी, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। इसके कोई कुछ नहीं बोलना है, उसको कह रहा है गोदी में ले लो। अब इसने सुसु कर ली तो वापस की चेंज करके आया। ओए ओए अना अनु ओ ये क्या करता है, जितने पेड़ पौधे दिख रहे ना सब तोड़ने के लिए भागता है। इसकी एक जना सिक्योरिटी ड्यूटी करो। और ये अपनी चाय आ गई, चाय चल ही रही है, चाय पी के निकलते हैं अब यहाँ से।
क्योंकि अब जाना बोल्ड ट्रेनिंग वाले बाल के हालत जो है इसका कार्यक्रम चालू। क्या बेटा चढ़ाव खाएगा? चढ़ाव खाएगा हाँ। अरे टकले बेटा अभी चाय पी के अब निकले घर से, अब यहाँ से जाएंगे सीधे वाली ट्रेनिंग पे। यही है सुबह सुबह ट्रेनिंग पे, पता दिन में इच्छा ही नहीं होती निकलने की, अब धूप इतनी पड़ गई क्या करें। आज का भाई साहब ने मस्ती मजाक में आज मेरे को दांत मार दिए। मैंने चीज़ क्या गलती मेरे से हो गई, कैसे कैसे बिस्किट दे रहा था, मैंने एकदम हाथ खींचा था उसने ही दांत मार दिया। कह रही खून कर दिया ना तूने मेरा, बोल बोल। इतना डैमेज दिखता है बोल्ड स्टे। दो गाड़ी का कांच दिख रहा है, मतलब सोच लो क्या हालत हो रही गाड़ी की। उसको थोड़ा सा पानी छीट के कोई कपड़ा मार के चलते हैं, हालत अंदर से साफ सुथरी है, बाहर से थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको पानी छीट के चलते हैं। क्योंकि अपने को जाना है एक बच्चा लेने, वो आ रही है, उठा के सीधे देख के फ्री चलते हैं। पुलिस को थोड़ा सा पानी छिटक लेंगे इस पर फिर चलेंगे। तो एक चीज़ दिखा देते वो गाड़ी की हालत, भाई चला ही नहीं ना, कितने से खड़ी धूल खाई है इसने, खड़ी धूल मतलब दिन से यहीं पर खड़ी थी ना तो उसकी धूल दुनिया साफ सुथरी छोड़ दी थी इसको। और आगे तो भाई पूछो ही मत, ये पता कि क्या हुआ है कि पानी भी गिरा ना बीच बीच में, और ये कबूतर जी की पेंटिंग ऊपर बैठ जाते ना तार पे, फिर डिजाइन डालते बैठ के बस वो साफ करें, पानी छिटे नहीं धुलते, कपड़ा मारना है। तो अभी पता उस दिन जो बुलेट रुकी हुई थी ना तो इसके आगे रोकी थी, तो देख रहा कहीं पुलिस वाले लेकिन एक क्या दिया ना रोंग साइड आ रही है, देखते क्या होता है। और ये आज होल्डर में दिक्कत हो गई कि अपना नीचे हो रहा, मोबाइल इस पर टांगा था नीचे गिरने लग गया, तो उसको पहले रोक के टाइट करेंगे कहीं फिर लगाएंगे इसी पे टाइम बेस बनाएंगे। बहुत दिन हो गए हमारे भाई लोगों ने टाइम बेस नहीं देखा, दिखाते हैं। तो आगे चल रही है चेकिंग, हट गई। अरे यार मैं बोला चेकिंग चल रही थी जब मैं मंदिर से आया था जब चल रही थी, अब हटा दी उनको पता नहीं मैं आ रहा था, मैं बोला चेकिंग चल रही है। तो मैंने बोला चलती गाड़ी में इसको टाइट कर लिया हल्का सा, क्योंकि अब मेरे को नया लेना पड़ा है, क्योंकि इसमें ना मोबाइल बहुत हिलने लग गया। अब मेन चीज़ क्या है कि जैसे ये ना गर्मी होगी ना तो उसका जो गम रहता है वो ढीला होता जा रहा है, मतलब गीला होने का रहा है तो धीरे धीरे वो क्या वाइब्रेशन पर आ जाता है, ढीला हो जाता है वो, इसलिए देखो क्या होता है। चेकिंग इधर मतलब थोड़ा सा आगे ले ली उन्होंने पुलिस वालों ने, बोले नहीं इधर से शामिल भाई निकलेंगे ना तो बोले रोकना था ही नहीं उनको। अरे मजाक कर रहे था, कुछ भी नहीं है। हाँ पर सुबह हीट जरूर हुई थी, मैं क्या एयरपोर्ट से एयरपोर्ट रोड से आ जाता तो उधर से वही पुलिस वालों ने क्या थोड़ी सी कालका मार्ग के साइड वो कर ली थी। अब मैंने बोला मैंने चलो इधर कौन मिलेगा, तो मैं अपनी धुन में आ गया तो पुलिस वालों ने हाथ दिखाई दिया। फिर क्या हमारे भाई की शक्ल देख के भाई तू जा तू जा, क्योंकि मैं माथा आ गया था ना, मेरी गाड़ी पर लात टिका दी थी, मैं उसके बाद गया था, बाद में मैंने वो वीडियो डाला नहीं था। बोलता मैं 1500 का चालान कर दूँगा ना, कर दे कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरी गाड़ी में अगर गलत चीज़ होगी तो मैं भरूंगा, नहीं है तो मैं क्यों भरूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं भरता। तो उसने कुछ भी नहीं मतलब डराने के लिए उसने मेरा लाइसेंस मांगा, सब चीज़ मांगी और कोई स्लिप नहीं दी, मैंने स्लिप तो दे दे, बोले नहीं ऑनलाइन ही होता है। मैंने अच्छा, तो मैंने वो दो स्टार अंकल थे उनने बातचीत करी हम लोगों ने थोड़ी देर, अंकल तो देखो डरा दिया था, बोले क्या थोड़ा सा बाहर से आया इसलिए आड़ा टेढ़ा चल रहा है। अंकल आड़ा टेढ़ी की बात नहीं है, मैंने इतना इसका तरीका गलत बोलने का, ठीक है ना, ऊपर से फिर लात क्यों मारी बुलेट, मतलब साइलेंसर पर लात दिखा के बता रही है कि ये मॉडिफाई है। मैंने उसको कि उन्होंने हाथ दिखा के बता दे, लात से क्यों बता रही, मैं ऐसी मजे में चलती रहती छोटी मोटी मेरे साथ। चलो अब चलते हैं यहाँ से सीधे, एक चीज़ दिखाते हैं आपको थोड़ी देर से। तो अधिकतर पता है लेडीज उनकी गलती करती है, सामने आप देख रहे होंगे लेडीज जाती हैं, जो मतलब कपड़े देखो इनका गाड़ी में टायर आने में
कुछ भी हो सकता था, उनको इस साइड से टोक देते। भैया ओ कपड़ा कपड़ा ऐसा, मतलब मैं टोक देता हूँ भाई। क्या है कि एक बार कोई मतलब लड़ भी लेना कि भैया आपने ऐसा क्यों बोला, कोई दिक्कत नहीं है, पर जान वो आप उसको बाद में समझ जाएगी, पर बोल टोक देना है भैया। कल से गिर गया, पता इसमें क्या होता है, ऐसे आंटी ने पूरा सर पे बांध रखा था उस कपड़े को, वो टायर में घुस जाता था भाई, सर के बल गिरते लग जाती है ना, दिक्कत अलग हो जाती है ये चीज़ें। तो माता बहने इस चीज़ का ध्यान रखें आप, और भाई लोग जो भी बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो अपने घर में दिखा देना ये वीडियो, कैसे बैठो ना तो थोड़ा सा केयर कर ले अपने। ये मुंह बांधने का जो कपड़ा होता है, साड़ी का पल्ला होता है, ये इधर उधर ही भगता अधिकतर, मैंने देखा है, एक का नहीं कितों का देखा है। अब ऐसे दिन भर गाड़ी चलाता रहता हूँ मैं, देखते रहता हूँ, टोकते रहता हूँ, बुलेट पे तो अधिकतर रोक ही देता हूँ हाथ दिखा के, भैया कपड़ा ऊपर कर लीजिए। लेडीज को नहीं टोकता मैं, भैया के नाम से टोकता हूँ। भैया खाला दीदी कहाँ जा रही है, ऐसे ही काम है लोगों के, क्या बोले अपन। मैंने रोड तो दिखाई दिया, अपनी शक्ल भी दिखा दूँ। तो यहाँ से चल रहे अपन सीधे एक भैया के पास चल रहे हैं, उनसे लेके आनी एक चीज, दिखा देंगे, दिखाएंगे, सबर करो। ये तो आप पता चला वीडियो स्किप करके देखने लग जाते हैं ना, सही होता पूरे वीडियो कौन कौन देखता है, आधे वीडियो कौन कौन देखता है। मेरे ख्याल से बहुत कम है जो पूरे वीडियो देख पाए। तब देखा बोले हाँ भैया तब तक देख लिया, चलो हो गया था वही काम है यार, अब क्या बोले, चलो कोई ना। अपने पास जो चीज है वो पीछे बैठी हुई दिख नहीं रही होगी अंधेरे में, और बेटा आराम से रोड गियर का बच्चा बुलवाया था, वही लेके अब जा रहे हैं, अब उसके ऑनर को देंगे, देख के फिर ही सीधे चलेंगे घर। और सीट बेल्ट पहन लेते, आगे चेकिंग चल रही लपक के पहन ले तो सीट बेल्ट। अपन ने भैया उनको दे दिया, ये दोनों लेके जा रहे हैं अपने, हम यहाँ से निकलते सीधे घर पे, क्योंकि काम बहुत है। तो अभी क्या अपन एक जगह और आए थे, तो जरूर बच जा, तो यहाँ से निकलते सीधे घर यार, क्योंकि मम्मी का फोन आ रहा है बार बार, लेट हो गया यार। चलो यहाँ से सीधे घर, मैं बोलते रहता हूँ ना यहाँ से सीधे चलो घर, उसका घर पहुँच पाता नहीं टाइम पे, मैं वो कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाता चलते रोड पे। तो कुत्तों कैसे घूम रहे हैं, तो किसी ने रेडियम लगा रखा है कुत्तों के गले में, रेडियम वाले पट्टे जैसे, देखो नाइट में कितना चमक रहे थे, अभी ये जो दिख रहा है ना कलुआ है, कलुआ ये देखो कलुआ चमक रही है, ये अच्छा। हाँ तो मतलब ये इसलिए करते थे कि इनका मतलब रात को ऐसे क्या था, लाइट पड़ती ना तो दिख जाता रेडियम, अच्छी चीज कर दी किसी ने। चलो चलो चलो, दीपन नहीं मार रही है, कॉलोनी तेरी है मोटे। क्या हुआ दिख रही है आपने, वो सब देखा नहीं कैसा घुसा वो करते, हाँ तो जा रहे हैं। क्या होता है क्या कॉलोनी की रहती ना, अपनी गाड़ी में क्या वो गलती से पीली प्लेट है, तो ये लोग वहां सोचते कि यार टैक्सी वाला है, तो मेरी मजबूरी है यार, बस रुक जाओ यार, बस एक साल मतलब ये 2024 में आपको सफेद पट्टे में दिखाऊंगा गाड़ी, मैं बहुत जल्दी कोशिश में लगा हुआ। क्या है कि थोड़ा सा क्या लक्ष्मी देवी की कृपा कम हो गई थी मेरे पास, तो नहीं तो अभी तक तो ये व्हाइट पट्टा कर देता मैं, करवाएंगे फिर जल्दी करवाएंगे। इसकी क्या होता है, अब आपको देखो क्या झूठ बोल रहे अपन, इसकी किस्त पूरी हो जाएगी ना, तो ये अपना NOC मिल जाएगी, NOC जाएगी कहाँ, RTO में देख के अपन उसको प्राइवेट करा लेंगे। और भाई जो भी RTO वाला हो ना कमेंट भी कर देना यार, अभी से नंबर सेव कर लूँगा आपका, इससे मेरा काम हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। अपन चलते हैं ऐसे सीधे घर, और बनाए टाइमलेस गाना सुनूँ मैं, चलो सुना देते हैं एक गाना।
जो व्हाइट ड्रेस में ये जो अरे भाई हाँ ये ना एक पुलिस वाले भाई साहब हमारे जब कैसे खड़े बिल्कुल मस्त हेलमेट आखिर रख के ना अरे ट्रैफिक पुलिस वाले भैया क्या हो आपको वीडियो बना लिया हमने ठीक है माफ करना के घर पे आया तो चमककर देखा और तो नई लाइट लग गई उसका उजाला देखो जरा स्टेडियम में आ गया हैं ये अच्छा हो गया ना गाड़ी रात को धोने के काम आएगी ये लाइट अब अपन चलते सीधे घर के अंदर और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म जब तक के लिए सभी को जय श्री राम और भाई जो नए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पुराने लाइक और कमेंट करते रहना।